हेलो दोस्तों, आज मेरे पे ये बैक्स वॉल का रबिंग का माउंड है। तो मैं आज अपनी एक्टिवा पे करने वाला हूँ। ये मेरी एक्टिवा पे बहुत स्क्रेच आ गए हैं, तो ये मैं 85 रुपये का लाया हूँ बाज़ार से। देखो मेरी एक्टिवा पे कितने स्क्रेच आ रहे हैं। तो ये स्क्रेच इससे मिट जाएंगे, रबिंग कंपाउंड से। देख सकते हो स्क्रेच ही स्क्रेच हैं पूरी एक्टिवा पे, अच्छे खासे, कितने गहरे गहरे ये स्क्रेच हैं। तो आज मैं ये रबिंग कंपाउंड करने वाला हूँ, इससे ये सब स्क्रेच गायब हो जाएंगे। देख सकते हो कितने स्क्रेच हैं। आगे की साइड देखो, आगे की साइड तो और जाना है। तो मैं खाली पीछे पीछे करके बताऊँगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, इसीलिए मैं पीछे करके बताऊँगा। ये देख सकते हो। तो इस बैक स्क्रॉल रनिंग कंपाउंड से सब गायब हो जाएंगे। तो मैं ये अब खोल लेता हूँ, ऐसी ही मिल जाएगी अंदर से ये बैक स्क्रॉल की रनिंग। तो क्या करना है, हम तक कपड़ा हो, कपड़े से भी कर सकते हैं। तो उंगली पे लगा लगा के ये धीरे धीरे स्क्रेजों पर रगड़ेंगे तो सब गायब हो जाएंगे। ये कपड़ा मेरे पे छोटा सा, तो उससे मैं साफ कर लेंगे पॉलिश, वो जो गायब हो गए। इसी एरिया में मैंने पॉलिश रबिंग कंपाउंड करा है, इसमें ये सब गायब हो गए। इसमें दो साइड करके दिखाता हूँ, तो काफ़ी बहुत बढ़िया है बैक स्क्रॉल का रबिंग कंपाउंड है। इससे सब स्प्रे गायब हो जाते हैं, बाइक कार किसी पर भी कर सकते हैं। तो ये सूती कपड़ा है मेरे पे, इससे मैं पोंछ लूँगा पूरा।
देखो सब देख सकते हो आप, सब स्क्रेच गायब हो चुके हैं। 90% इस पर स्क्रेच जितने ना जो सब गायब हो गए हैं। जो मोटे मोटे रह गए थे ना, गहरे, ज़्यादा गहरे वो रह गए हैं बस, देख सकते हो। देखो, और कलर भी कितना इसका वाइट हो गया है, पहले येलो येलो टाइप का था। तो दोस्तों देख सकते हो, आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।